नमस्कार, मैं हूं सुखदेव साहू। स्वागत करता हूं जे जे टेक्निकल सपोर्ट पे। आज एक मैं नया वीडियो देने जा रहा हूं कि जो एलईडी बल्ब है कैसे बनाते हैं, जो खराब हो जाने पर आप लोग फेंक देते हैं। मैं इसको बना के दिखाऊंगा, जो कि आप लोग भी चाहे तो घर में बना सकते हैं। बनता कैसे है मैं दो ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं होने से भी बना पाएंगे। अगर सोल्डिंग आयरन है तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि ये वाला। अगर सोल्डिंग आयरन भी नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, टेस्टर होने से भी हो जाएगा। सिर्फ एक दो रुपया खर्चा होगा, जो कि आप घर में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं एलईडी कैसे बनता है। ये देखिए एलईडी बल्ब है, ये इसको खराब हो जाने पर आप फेंक देते हैं। ऐसे वाला एक होल्डर लीजिए, सो होल्डर लीजिए, उसमें तार लगाइए। तार लगाने के बाद प्लग में लगाइए, इसको प्लग लगाइए, हो गया। मैं टेस्ट कर ले रहा हूँ पहले। इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसे एक वायर लीजिए, वायर को थोड़ा छोटा कीजिए, इतना ही चलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद कटर से इसको काट दीजिए, बस हो गया। दो साइड को पहले आप फोल्ड कीजिए, यू टाइप, देख रहे हैं, यू टाइप। इसको देखिए, ये स्लोली जल रहा है, पता चलता होगा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये दोनों को शॉर्ट कीजिए, ऐसे लीजिए और उसके बाद शॉर्ट कीजिए एलईडी का दो पिन से। देखिए जो वाला खराब होगा पता चल जाएगा। देखिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं, केयरफुली कीजिए कौन सा जलता है, पता चलेगा। देखिए ये ग्लो किया, मतलब ये जो है, ये जो आपका एलईडी है, ये वाला खराब हो गया है, ठीक है। देखिए ये जो लेने के बाद इसको ट्विस्ट कीजिए दो तरफ, देखिए ग्लो किया, मतलब सब लाइट ब्लिंक किया। ये आराम से हो गया, मतलब इसको क्या करेंगे हमको अभी पता चल गया प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं इसको होल्डर से निकाल दिया। इसको निकालने के बाद ये जो एलईडी है हमको इसको बाईपास करना है। इसको पहले आप एक काम कीजिए, इसको टेस्टर से इसको निकाल के साफा कर दीजिए, ठीक है। इसको निकाल के साफा कर दीजिए, ये पूरा सफा हो गया। देखिए मैं निकाल दे रहा हूं, देखिए ये पूरा सफा हो गया, ठीक है। इसका दो जो पिन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये इसको दोनों को शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करने के बाद कैसे शॉर्ट करेंगे, अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो इसको सोल्डिंग पे ट्विस्ट कीजिए, अगर सोल्डिंग आयरन नहीं है
फिर भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, इसको पूरा केयरफुली से इसको ट्विस्ट कीजिए, सटा दीजिए दोनों को, ये दोनों को पूरा सटा दीजिए, ये हो गया। देखते हैं ये बॉल का क्या होता है। ट्राई कर सकते हैं, अगर हो गया तो आप चैंपियन, फेंकने का वजह से आप बच जाएंगे, नया बॉल आपको 100 रुपीज में मार्केट में मिलता है, जो कि आपका 1-2 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, जो कि आप घर बैठे बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये बॉल ग्लो किया, ये देखिए ग्लो किया, 100% हो गया। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कैसे ट्विस्ट हो गया, देखिए ठीक है, आप इस तरह बना सकते हैं। देखिए और एक भी बॉल है, ये तो हो गया, और एक बॉल है, उसको भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए वही हिसाब से आप काम कीजिए, पहले जैसे बताया था, देखिए ये वाला खराब है, आप चाहे तो इसको भी बना के दिखा देता हूं। देखिए होल्डर से निकाल दिया, पहले पावर कट कीजिए केयरफुली, इसको भी देखिए मैंने खोल दिया, खोलने के बाद उसका भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये होने के बाद अब होल्डर पर टेस्ट कीजिए, देखिए ये भी जल गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए और एक बार ट्राई करता हूं, ये देखिए देखिए किस तरीके से मैंने इसको ट्विस्ट किया, आप इसको देख सकते हैं। ये जो मेरा एलईडी वाला वीडियो आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।